नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अब की बार हम कितने तैयार हैं? जी हां, हम कितने तैयार हैं ये पूछ रहा है देश, ये पूछ रहे हैं हम और ये पूछ रही है सरकार। ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तेजी के साथ फैल रहा है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस के इस नए वेरियंट से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ गई है, 21 हो गई है और ये संख्या अब डरा रही है। अकेले रविवार को 17 नए मामलों का पता चला है, यानी 4 दिन में 21 केस सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट में पॉजिटिविटी टेस्ट पाए गए, इसमें ज्यादातर मरीज या तो हाल ही में अफ्रीकी देशों से आए थे या ऐसे लोगों के संपर्क में आए थे जो कि अफ्रीका से लौटे हों या फिर अफ्रीका के किसी देश से लौटे हों। अधिकारियों ने कहा है कि नए मामलों के संपर्क में आए लोग निगरानी में हैं और उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों पर, विशेष रूप से जोखिम की सूची में शामिल देशों से आने वाले लोगों पर सख्त यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं। अब तक ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के उभरने से भारत की 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय यात्रा को फिर से शुरू करने की योजना पर भी असर पड़ा है, उसे भी बंद कर दिया गया है। तो ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है, भारत में 21 मामले भी सामने आ चुके हैं और ये एक महीने में नहीं या 15 दिन में नहीं, सिर्फ 3 दिन में 21 मामले सामने आए हैं। ये वही लोग हैं जो हाल ही में किसी भी अफ्रीकी देश से, ऐसे हाई रिस्क वाले देश से वापस आए हों या फिर उन लोगों के कांटेक्ट में दूसरे लोग आए हों, वो लोग ये बताए जा रहे हैं जो कि अब संक्रमित हैं। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ साथ होम आइसोलेशन भी उन्हें दिया जा रहा है ताकि ये संक्रमण ना बढ़े, ये जो चेन लगातार कनेक्ट हो रही है इस चेन को तोड़ा जा सके। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है। 2021 या 2020 की हम बात करें तो यहां पर देखा जाए तो डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था, लेकिन अब ओमिक्रॉन इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए ग्राफिक्स जरिए आपको समझाते हैं कि ओमिक्रॉन कितना ज्यादा खतरनाक है। तो ओमिक्रॉन की एंट्री से सावधान होना बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन की दहशत सरकार को सतर्क करती हुई नजर आ रही है। दहशत इतनी ज्यादा है कि सरकार भी पूरी तरह से सावधान होने की हिदायत दे रही है। वहीं सवाल यह भी है कि ओमिक्रॉन को हमें जल्द से जल्द हराना होगा और देश को बचाना होगा। हम ओमिक्रॉन को हराएंगे तभी देश को हम बचा सकते हैं, वरना हालात डेल्टा वेरिएंट जैसे हो सकते हैं। क्या तीसरी लहर आने की संभावना है? ऐसा भी बड़ा सवाल आम लोगों के मन में बना हुआ है। इसकी जो दहशत है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है। ओमिक्रॉन की स्थिति लगातार भारत में खराब होती हुई नजर आ रही है। 5 राज्य बताए जा रहे हैं जिनमें ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं और महाराष्ट्र और राजस्थान की हम बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 1 मामला सामने आया, कर्नाटक में 2 मामले सामने आए हैं। ऐसे में डर है क्योंकि देश की राजधानी तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। राजधानी के हालात 2021 मार्च में कैसे थे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ओमिक्रॉन की भारत में स्थिति क्या है यह बताना भी जरूरी है। देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में ओमिक्रॉन के 9 केस मिल चुके हैं जो कि डरावने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में अब तक 8 ओमिक्रॉन केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र ये ऐसा राज्य है जहां पर डेल्टा वेरिएंट ने खूब कहर बरपाया था। इसके अलावा अगर कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आ चुके हैं और सबसे पहले यही ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। वहीं दिल्ली और गुजरात में 1-1 केस दर्ज हुआ है। ये वो राज्य है जहां पर डेल्टा वेरिएंट ने बहुत कहर बरपाया था। ऐसे में अब जो राज्य सरकारें हैं वो भी मुख्यतः इन पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी इन राज्यों पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी लोग यात्रा करके लौट रहे हैं हाई रिस्क वाले देश या फिर जो भी देश से लौट रहे हों उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, एक लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि एक डाटा तैयार हो जाए और ये आसान रहे कि कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, कहां के हैं जो कि ऐसे देशों से आए हैं जहां पर ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज्यादा है, ताकि उनको ढूंढा जाए, उनको होम आइसोलेट करवाया जाए, उनकी निगरानी रखी जाए ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना करें। तो ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो सावधानियां क्या क्या बरतें वो भी जानना जरूरी है। सही तरीके से मास्क लगाएं जो कि बेहद जरूरी है क्योंकि कुछ लोग मास्क पूरी तरह से भूल चुके हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लें, कुछ लोगों ने अब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, कुछ
सिंगल डोज पे हैं, कुछ डबल डोज पे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है। तो वैक्सीन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से भूल चुके हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह की हम बात करें, बाजारों की बात करें, तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। जहां भी रहे वहां अधिकतम वेंटिलेशन बनाए रखें, ये जरूरी है। मास्क सही तरीके से लगाएं। मास्क को बहुत लोग पीछे छोड़ चुके हैं, उन्हें लगता है कि डेल्टा वेरिएंट खत्म हो चुका है तो कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ है। नहीं, कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। देश में अगर आज की मैं बात करूं तो बीते 24 घंटे में 8000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर ओमिक्रॉन की मैं बात करूं तो यहां पर 21 मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बेहद जरूरत है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सिर्फ समझा रहे हैं, आपको सावधान रहने की हिदायत दे रहे हैं कि अब संभलने की जरूरत है, क्योंकि ये वही महीना है जब बीते दो साल एक नया वेरिएंट या फिर नए जो मामले हैं वो उभरते हुए हमने देखे हैं। दिसंबर पहले कोरोना आया, उसके बाद उसका नया वेरिएंट आया डेल्टा, अब ओमिक्रॉन आ गया है। तो वो जो हमने हालात 2020 में या 2021 में देखे थे, वो हालात देश ना देखे। इस वजह से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद से एक बेहतर कदम आगे बढ़ाएं। देखिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि वैसे हालात ना हो जैसे डेल्टा वेरियंट के टाइम पर हुए थे, मार्च 2021 में हुए थे, हाहाकार मचा हुआ था। इसी वजह से हमें भी संभलने की जरूरत है। मामले भले ही कम आ रहे हों 8000, लेकिन जीरो नहीं हुए हैं। जब तक शून्य ना हो तब तक मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। और ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में डॉक्टर्स तमाम सलाह दे रहे हैं। कुछ डॉक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। और आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारे साथ भी कुछ डॉक्टर जुड़े हैं। डॉक्टर रंजन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेपी अस्पताल से हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट हैं, और डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। रंजन जी, ओमिक्रॉन के मामले बीते 3 दिन में 21 हो गए हैं, जितनी तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं उससे ये लगता है कि आने वाले समय में मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से अभी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई है लोगों की, तो हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ही जब कर्नाटका में डिटेक्ट हुआ ओमिक्रॉन के दो वायरस, उसके बाद से अभी 4-5 राज्यों में आ चुके हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका में आ चुके हैं। तो अच्छी चीज ये है कि इनमें कोई डेथ नहीं हुई है, और जो लेटेस्ट रिसर्च बता रही है कि ओमिक्रॉन का वायरस जो जितनी स्टडीज हुई हैं उसमें संक्रमण तो काफी तेजी से फैलाता है, पर अभी उतना डेडली नहीं है। लेकिन चूंकि संक्रमण काफी तेजी से फैलाता है तो हम सबको एहतियात बरतने की जरूरत है। तो हम सब पिछले काफी दिनों से जब कोविड के मामले कम हो गए थे तो हम लोगों ने मास्क पहनना कम कर दिया है, पब्लिक प्लेस में लोग जाने लगे हैं बिना मास्क के, घूमने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो वापस से अभी जब तक ये वायरस खत्म नहीं होता है सबको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत है, और सारे लोग अब मास्क पहन के निकले बाहर, घर से जब जा रहे हो भीड़ भाड़ इलाकों को अवॉइड करें, और ऐसी जगहों पे जहां ट्रेवल करना नेसेसरी ना हो वहां ट्रेवल ना करें, तो बचे रहेंगे। क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है काफी तेजी से फैलता है, और ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिनको वैक्सीनेशन लग चुके हैं और जिनको कोविड पहले से हो चुके हैं। तो हम सबको मिलके इसको ऐसे तरीके अपनाएंगे तो ये ओमिक्रॉन सेकेंड वेव की तरह नहीं फैलेगा, जैसा हम सबने सेकेंड वेव में देखा था कि बहुत जल्दी इतने सारे केसेस सारे स्टेट्स में आ गए कि सारे हॉस्पिटल्स में हाहाकार मच गया, सारे पेशेंट को कहीं बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो वैसी सिचुएशन नहीं है, वो सबके लिए सरकार भी तैयारी कर रही है, और हम सबका फर्ज बनता है कि वो सरकार के तरीकों का पालन करें और मास्क पहन के निकले, सारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। ठीक है रंजन जी, डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर हम बात करें तो अभी सर्दी शुरू हो चुकी है और तमाम जो सर्दी में वायरल हैं वो भी होते हैं, उसके लक्षण भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे ओमिक्रॉन के हैं, तो लोगों को समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अगर सामान्य लक्षण हैं जैसे कि गले में खराश है, सूखी खांसी है, या फिर हल्का सर दर्द है, या मांसपेशियों में दर्द है, तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन हो सकता है? जो सर्दी वाला वो चेंजेस आते हैं, वो नाक का बहना,
सूखी खांसी का उठना, उसके साथ बुखार होना, ये जो सिम्टम्स हैं ये ओमिक्रॉन के साथ अभी नहीं है। ओमिक्रॉन के साथ क्या है, एक्सीमाइजिया है, वीकनेस है। तो ये दो चीजें डिफ्रेंशिएट करती हैं बिटवीन ओमिक्रॉन एंड कॉमन कोल्ड। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा पेशेंट बाहर से तो नहीं आया है, या जो बाहर से कोई आए हैं उनके संपर्क में तो नहीं आया है, कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं दे रहे हैं। उन चीजों हिस्ट्री वाइज हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं कि वेदर इट इज ए ओमिक्रॉन और वेदर इट इज ए कॉमन कोल्ड। बिल्कुल त्यागी साहब, अभी डॉक्टर रंजन ने बताया कि इसमें डेथ रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक जीरो है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसलिए लोग सबर भी कर रहे हैं। लेकिन दहशत फिर भी है कि आने वाले समय में, अभी तो मामले 21 हैं, बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो कि 100 से ज्यादा हो जाएं, फिर हजारों में चले जाएं, ऐसा ना हो, तो अभी हमें क्या राहत लेने की जरूरत है, या अभी हम चिंतित हो सकते हैं या बेहतर कदम उठा सकते हैं? है वो बच्चों को लेकर है। बच्चे जब 8 साल से 17 साल की एज में होते हैं तो उनमें थाइमस ग्लैंड बहुत अच्छा काम नहीं करता है, और इसी एज के ड्यूरेशन में हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है। 18 साल से ऊपर हम वैक्सीन ले चुके हैं, भले ही हमने एक वैक्सीन लिया है, भले ही हमने दो वैक्सीन लिया है, भले ही हमें एक्सपोजर मिला है, लेकिन बच्चों के केस में एक्सपोजर अगर किसी बच्चे को हुआ है तो उसमें थोड़ा मोड़ा एंटीबॉडीज हो सकता है, जिसका एक्सपोजर नहीं हुआ है। और हमारी जो थाइमस ग्लैंड है वो 8 साल तक अच्छा काम करती है, तो 8 और 17 साल के जो बीच के बच्चे हैं उनका हमें ध्यान देना है, क्योंकि ना तो वो वैक्सीनेटेड है ना उनमें इम्यूनिटी है, और ओमिक्रॉन इम्यूनिटी को भी पेनिट्रेट कर सकता है, इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन नहीं है जैसा डेल्टा का था, लेकिन ये बच्चों में अभी कोई स्टडी नहीं आई है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें ये स्टडी आई है कि ये बहुत ज्यादा कोई सिम्टम पैदा नहीं कर रहा है वैक्सीनेटेड लोगों में। जो वैक्सीनेटेड बच्चे नहीं है उनमें क्या कर रहा है अभी ये हमें देखना होगा, अपने बच्चों को सतर्क करना होगा, और एज ए पेरेंट, एज ए डॉक्टर मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को बाहर जाते हैं तो मास्क पहनाना है, और उनका ध्यान रखना है कि कहाँ गए हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी बहुत ज्यादा है इसमें, और ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा वो दर्ज की जा रही है। डॉक्टर रंजन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी यहाँ पर ब्रजपाल त्यागी जी ने कहा कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं और जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, और जो वैक्सीनेटेड है उनमें इतने ज्यादा सिम्टम्स इसके नजर नहीं आ रहे हैं, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो वैक्सीन लगाए हुए लोग हैं वो इससे बच सकते हैं या उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? जो वैक्सीन है जो पहले लगी है, पहले भी 80% लोगों को प्रोटेक्ट ही कर रही थी, 100% उस समय भी नहीं था, और अभी भी हमने कुछ केसेस देखे हैं कि जिसमें दोनों वैक्सीन लगी है उसके बाद भी उनको ओमिक्रॉन हुए हैं। तो इसलिए पर वैक्सीनेशन बिल्कुल ट्रांसमिशन को फैलने से रोकती है। जितनी जल्दी पिछली बार, चूंकि किसी को वैक्सीन नहीं लगी थी तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, जो चेन बन रही थी वो चेन की तरह नहीं फैलेगी इस बार, तो अगर ओमिक्रॉन आ भी जाता तो उस तरह नहीं फैलेगी, लेकिन वैक्सीन लगवाएंगे तो चांसेस बहुत कम रहेंगे। और ठीक है रंजन जी, आखिर में डॉक्टर रंजन, आखिर में एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अस्पतालों में जागरूकता कितनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो वहां पर मरीज आते हैं उनके जो तीमारदार आते हैं उन्हें किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, क्या कोई यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, कुछ ऐसी चीजें आप लोग कर रहे हो? जी, अभी हॉस्पिटल्स में कुछ लोग आना शुरू कर रहे थे, जो मरीज के रिश्तेदार होते बिना मास्क के एंट्री कर रहे थे, तो अब सब लोगों को मास्क पहन के ही आने की हिदायत दी जा रही है, और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का और सैनिटाइजर यूज करने के लिए कहा जा रहा है। और जहां तक वैक्सीन की हम लोग बात कर रहे थे, तो आज भी हमारे देश में 14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगी है, और इनफैक्ट करीब 30-40 करोड़ लोग मिनिमम ऐसे हैं जिनको डबल डोज नहीं लगी है, तो उन सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। और बच्चों का भी ट्रायल शुरू हो चुका था,
तो जैसा डॉक्टर त्यागी ने बताया कि 8 से 17 साल के बच्चे जिनमें थाइमस ग्लैंड उतना डेवलप थाइमस उतना काम नहीं करता है, तो वो लोग इस रेंज में है कि उनको अफेक्ट कर सकता है ओमिक्रॉन अगर आता है तो बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी। डॉक्टर रंजन, यानी कहा जा सकता है कि वैक्सीन ही आखिरी विकल्प है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, तमाम उपाय बताने के लिए। और जिस तरह से आप लोग सभी को जागरूक कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अस्पतालों में भी एक जागरूकता अभियान चलना चाहिए ताकि जो तीमारदार आते हैं वो भी समझ सके। तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, 21 केस सामने आ चुके हैं, ऐसे में अस्पतालों में भी जागरूकता देखी जा सकती है। ऐसे में खुद से भी हमें जागरूक रहने की जरूरत है। अगर हम कहीं भी भीड़भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें, जितना हो सके बचें, अगर बेहद जरूरी नहीं है तो ना जाएं, बच्चों बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। डेल्टा वेरियंट के दौरान भी यही कहा गया था, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है और जो बुजुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो बीमारियों से लड़ सकें। तो ऐसे में सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और देश को बचाने में हमें अहम योगदान भी देना है।